अगली खबर की ओर बढ़ेंगे। इस वक्त की अगली खबर हमें मिल रही है, नौवीं से बारहवीं क्लास की परीक्षा तिथि घोषित की गई है। 29 नवंबर से 8 दिसंबर तक छमाही परीक्षाएं चलेंगी। सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक परीक्षाएं आयोजित होंगी। सौ फीसदी उपस्थिति रहेगी छात्रों की। 9 बजे से 12 बजे तक परीक्षाएं होंगी। 10वीं और 12वीं की परीक्षा 12:30 बजे से 3:30 बजे तक होगी। 100% उपस्थिति के साथ ऑफलाइन परीक्षाएं हो सकेंगी, तो 6 माह परीक्षाएं होंगी। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता दुष्यंत जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। दुष्यंत जी, 9वीं से 12वीं क्लास तक की परीक्षाओं की तिथि घोषित कर दी गई है, क्या कुछ जानकारी? हाँ बिल्कुल, देखिए पूनम, पूरे जो परीक्षाएं अब तक ऑनलाइन होती आई हैं, जो पढ़ाई जो अब तक ऑनलाइन होती आई है, तो तमाम सारी जो गाइडलाइन जब मध्य प्रदेश में कोरोना की समाप्त कर दी गई है, तो इस बात को ध्यान में रखते हुए अब स्कूलों ने भी जो परीक्षाएं हैं 6 मई बच्चों वो परीक्षाएं ऑफलाइन देने का निर्णय लिया है, और इसी बात को ध्यान में रखते हुए टाइम टेबल भी जारी कर दिया गया है। 9वीं से 12वीं तक की जो 6 मई की परीक्षाएं हैं वो 29 नवंबर से ऑफलाइन मोड पर शुरू होगी, और जिस तरीके से अगर परीक्षाओं की बात की जाए तो 29 नवंबर से 8 दिसंबर तक लगातार ये परीक्षाएं जो है वो आयोजित की जाएंगी। अगर 9वीं और 11वीं परीक्षा की बात की जाए तो सुबह 9 बजे से 12 बजे तक ये परीक्षा जो है वो आयोजित की जाएगी। साथ ही साथ 10वीं और 12वीं की जो परीक्षा होगी उसका समय जो है वो 12:30 से 3:30 बजे तक रखा गया है। इसके साथ ही 100% उपस्थिति के साथ ऑफलाइन परीक्षा कराने के निर्देश भी स्कूल शिक्षा मंत्री और स्कूल शिक्षा विभाग की ओर से स्कूलों को दिए गए। जी दुष्यंत जी, शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो अब 6 माह परीक्षाएं होंगी, 9वीं से 12वीं क्लास तक की परीक्षा की तिथि भी घोषित कर दी गई है। 29 नवंबर से लेकर 8 दिसंबर तक ये 6 माह की परीक्षाएं चलेंगी। ऑफलाइन मोड में ही परीक्षा होंगी। अभी जिस प्रकार से तो कोरोना के चलते ऑनलाइन परीक्षाएं ली जा रही थी, लेकिन अब ऑफलाइन मोड में ही परीक्षाएं होंगी। सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक परीक्षाएं होंगी। 10वीं और 12वीं की परीक्षा 12:30 बजे से लेकर 3:30 बजे तक होगी।